हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका अफसर अली सोरी। आज का नया टॉपिक है कि अगर आपके सामने खाना रखा है तो आप खाना कैसे खाएं। सबसे पहले क्या खाएं? मान लीजिए अगर आपके सामने खाने में 10 आइटम रखे हैं तो सबसे पहले आप जो है खाने में कौन सा आइटम खाना चाहिए। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके सामने सब्जी रखी है, आलू रखी है, या बिरयानी रखी है, या कोई दाल रखी है और रोटी रखी है, या उबले चावल भी और रखे साथ में, और एक तरफ मिठाई भी रखी है और अनेक चीज़ें रखी हुई खाने में, तो सबसे पहले क्या खाना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके सामने कई चीज़ें रखी हैं, पानी वगैरह वगैरह जो भी रखा हुआ है, तो आपको सबसे पहले क्या खाना चाहिए, शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आपको जो खाने में सबसे पहले आपको लेना है सलाद लेना है। अब आप ये कहेंगे तो सलाद जो है साथ में खाते हैं, मैं सबसे पहले आपको खाना है सलाद। आपको सबसे पहले सलाद खाना है, उसके बाद है अगर आपके सामने उबले चावल रखे हुए हैं, राइस बोलते हैं जिनको, चावल रखे हुए हैं तो आप चावल खाएं, क्योंकि चावल का जो वजन है वो होता कम होता है और जो रोटी का जो वजन होता है वो होता ज़्यादा। हमारा जो शरीर है, जो सिस्टम है, रोटी को पचाने के लिए कम से कम उसको चाहिए 4 घंटा, और चावल को पचाने के लिए चाहिए उसको 2 घंटा चाहिए होते हैं। तो इसीलिए अक्सर लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं तो कुछ नहीं पर रोटी खा लेते हैं, सलाद, फिर चावल, फिर जी भर के पानी पी लेते हैं, साथ में कुछ रखा है उल्टा सीधा खा भी लेते हैं, वही उनकी बीमारी बन जाती है। तो आज मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आप खाने में क्या खाना चाहिए। सबसे पहले आपको खाने में सलाद लेना चाहिए। सलाद खाने के बाद में आपके सामने चावल भी रखे हैं, रोटी भी रखी, सब्जी रखी, तो उसके बाद में 2 नंबर पे आप खाएंगे चावल। 2 नंबर पे आप चावल खाएंगे और जो 3रा नंबर है वो आप खाएंगे रोटी सब्जी या अन्य कोई चीज़। यानी आपको पहला सलाद, 2 नंबर पर आपको लेना है चावल, 3 नंबर पर आपको लेना है कि आप रोटी लेंगे, और जो 4था नंबर है आपको पानी। हाँ, पानी आपको खास के ध्यान देना है, पानी आपको लेना कम मात्रा में, इतना आपको लेना है जो आपके शरीर में जो हलक में जो है वो आपके अंदर चला जाए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, खाने के बाद में आपको नंबर 1 पर है वो आपको शराब नहीं लेनी चाहिए, नंबर 2 पर है वो आपको दूध नहीं पीना चाहिए खाने के तुरंत बाद, नंबर जो 3 पर है वो है पानी, पानी आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं पीना, और नंबर 4 पर आता है कोई दवाई। आप अगर आपकी कोई दवा चल रही है तो आप दवाई भी खाने के तुरंत बाद नहीं खानी चाहिए, कम से कम आपको जो है ये सब चीज़ें 2 घंटे के बाद में लेनी चाहिए। अगर आपकी दवाई चल रही तो वो भी आप जो है खाने के 2 घंटे बाद खाएं। पानी हाँ ज़रूर पी सकते हैं 1 घंटे बाद, क्योंकि खाना खाने के बाद भी जो हमारी जो पेट है वो सारा जो है खाने को मिस करता है, मिक्स करने बाद में एक लिक्विड बनाता है, और वही लिक्विड हमारे खून में जाकर पहुंचता है, उसी से हमारी जो है उन्नति होती है अंदर की। अगर मान लीजिए हम खाना खा रहे, खाने के तुरंत बाद हम पानी पी लेते हैं तो वो जो है अंदर की जो गर्मी है वो बुझा देता है, और लिक्विड जो है सही तरीके से नहीं बन पाता है, और हमें अनेक बीमारियाँ फैल जाते हैं हमारे शरीर में। बस इसी को आपको ध्यान रखते हुए आपको खाने का तरीका यही अपनाना है।
अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए प्लीज लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द बनाऊँ। थैंक यू।